नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें एसएससी सीजन 2024 के बारे में। एसएससी सीजन 2024 जो कि अभी जुलाई में इसका फॉर्म भरा गया है, जुलाई में नोटिफिकेशन आया, और ये लगभग लगभग आपका एग्जाम जो है प्रस्तावित है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर 2024 को एग्जाम प्रस्तावित है, तो जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भर लिया, जिसको नहीं भरना है वो नहीं भर भी नहीं सकता क्योंकि फॉर्म भराना बंद हो चुका है। अच्छा, अब जो फॉर्म भरा है उसको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या है पैटर्न, ये तो पता होना चाहिए। तो पैटर्न में क्या है एग्जाम को, एक तो टीयर वन है और टीयर टू, दो टीयर में होगा। टीयर वन में आपका 25 इंग्लिश, 25 एप्टीट्यूड मैथ जो भी बोल दीजिए, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी, और जो कि 25 क्वेश्चन बचता है वो है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से आपका जो भी है एग्जाम के पर्पस से, एग्जाम के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है टीयर वन में भी और टीयर टू में भी। एप्टीट्यूड इसका भी ठीक है, मतलब इस बार जो है पेपर के जो है पैटर्न थोड़ा सिविल टीयर सेकंड में चेंज किया गया है। और चेंजिंग क्या किया गया है कि टीयर वन का तो पहले तो क्वालिफाइंग हुई है फर्स्ट मार्क्स, टीयर सेकंड में इसका ऐड नहीं होगा। और दूसरी बात, टीयर सेकंड जो होता था जिसको मेंस लोग बोलते थे, उसके भी एग्जाम में थोड़ा चेंज किया गया है। और उसमें क्या चेंजिंग है, उसका चेंजिंग इस प्रकार से है कि इसको भी दो सेक्शन में किया गया टीयर टू। सेकंड इसमें क्या क्या है, टू सेक्शन, सेक्शन वन में क्या है, सेक्शन वन में भी दो मॉड्यूल में डिवाइड किया गया इसको। मॉड्यूल वन जिसमें मैथमेटिक्स, और मॉड्यूल टू जिसमें वही रीजनिंग। मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू, तो मॉड्यूल वन में क्या क्या है, एक तो हो गया मैथमेटिक्स, चलो मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, बहुत लोगों से मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी, जो कि ये क्या है, दोनों इक्वल क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चन, और एवरी क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के, यानी कि 90 90 मार्क्स। इसमें 90, इसमें भी 90 मार्क्स। अच्छा, मॉडल टू जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या है, मैथमेटिक्स तुरंत बेटा कर दिया, रीजनिंग तुरंत बेटा गया ना, एक टाइम बताया। इसमें क्या है, एक इंग्लिश, इंग्लिश, और दूसरा इसमें है आपका इस फिर से जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, जो कि लगभग लगभग 45 क्वेश्चन है। और जनरल एबिलिटी जो कि लगभग लगभग 25 क्वेश्चन, लगभग क्या 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 45 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 25 क्वेश्चन आएंगे, इंटू का थ्री इंटू का थ्री, मतलब कि सेम कितने कितने हो गए, ये हो गया 135, ओके, और ये हो जाएगा 75। तो ओवरऑल देखा जाए मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन और बाकी चीज है जिसको क्या बोलते हैं, उसको पढ़ना समझना लर्निंग याद करना, ये सब की जरूरत है। तो आप लोगों ने देखा क्या, देखा कि तो जैसा कि आपने देखा कि टीयर वन एंड टीयर टू में अगर देखा जाए, जैसे मैथमेटिक्स तो टीयर वन में कितने थे, 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के, टीयर टू में 30 क्वेश्चन कितने, 90 मार्क्स।
इसके बाद अगला देखा जाए तो रीजनिंग, रीजनिंग भी सेम सेम वही है। इंग्लिश में 25 एंड 45, यानी कि यह है 50 और यह है कितना 135। तो इसका अगर वेटेज के देखोगे तो 50 एंड 135 कितना हो गया 185। ठीक, तो 185 जो है इंग्लिश, इंग्लिश जो है 185 कवर करता है। एंड अब जनरल अवेयरनेस, जो कि ये क्या है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ये टाइम टेकन नहीं होता। ठीक, अगर ये ठीक ठाक तैयार है तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि टाइम बचा करके उसमें आप टाइम यूज कर सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। ओके, कोई टाइम बाउंड तो है नहीं कि इतने टाइम तक इसको करना है, इतने टाइम तक इसको करना है, बैंक की तरह। इसमें कितना था, 25 और जो कि इंटू टू 50 टीयर 1, और अगर टीयर 2 पे देखा जाए तो 25 इंटू का 3 इक्वल टू 75, यानी कि 125। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन, ये टीयर 1 का मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन टीयर 2 के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए। 75 मार्क्स में अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आराम से 60 से 65 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और 60 से 65 मार्क्स जो है आपको करने में ज़्यादा नहीं, मात्र मात्र 15 या 20 मिनट, 20 मिनट मान लीजिए, तो इतना में आप कर सकते हैं, टाइम आपको मिलेगा ही क्या आपको मिलेगा। इंग्लिश और जीके, अच्छा दूसरी बात ये क्या है कि इंग्लिश और जीएस को एक साथ डाल दिया गया है सेक्शन सेकंड में, तो आपका टाइम भी बचाने का कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जिसका जीके कमजोर है, इंग्लिश जिसका अच्छा है वो जीके में थोड़ा टाइम दे सकता है, समझ सकता है, थोड़ा ध्यान याद कर सकता है, और जिसका इंग्लिश कमजोर है वो जीके का ठीक से कर लेगा तो जीके इंग्लिश में थोड़ा टाइम दे देगा, और इंग्लिश में अगर थोड़ा टाइम दे दे तो क्वेश्चन लगभग बन जाता है। बस ये है कि उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, ये उनके लिए है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ठीक, अच्छा इसके बाद फिर हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हम लोगों ने देखा, मैथमेटिक्स में कितने थे 25 इंटू टू यानी कि 50 मार्क्स टीयर 1। इस 50 नंबर में अच्छा खासा मार्क्स लेना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, इस बार तो 27,727 पोस्ट है, कट ऑफ थोड़ा कम होने की संभावना है। और टीयर सेकंड में क्या है, 30 इंटू का 3 यानी कि 90 मार्क्स। ये मार्क्स जो है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए भी अच्छा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स में जैसे कि हो गया आपका एक तो एप्टीट्यूड हो गया, दूसरा एडवांस मैथमेटिक्स में अब ये ले लीजिए जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा इत्यादि, तो इतना भी ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ओके, और रीजनिंग, रीजनिंग के लिए तो कंसेप्ट थोड़ा हमारा देखना पड़ेगा, लेकिन रीजनिंग कोई माँ बाप नहीं होता है, जैसे भी करके आपको रीजनिंग बनाना होता है लॉजिकल में। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो पैटर्न पे चलते हैं, तो इसका भी वही 25 एंड 30 है, यानी कि 90 मार्क्स आपको मेंस के लिए चाहिए एंड 50 मार्क्स जो आएगा प्रीलिम्स में। तो कुल मिला जुला करके अगर प्री का क्वालिफाई करना है फाइनल में अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स में आपको लगभग लगभग 135 मार्क्स, मतलब 135 मार्क्स आउट ऑफ 200 ला रहे हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई, मतलब टीयर 1 क्वालिफाई होंगे। ओके, और टीयर 2 का बात करें, ये हो गया आपका टीयर 1, और टीयर 2 सिलेक्शन लेने के लिए तो टीयर 2 कितने मार्क्स पे होगा, तो अगर आप मार्क्स जोड़ लीजिए तो 90 मैथ 90 रीजनिंग 135 इंग्लिश एंड 75 जीके, तो ये हो गया 205 और ये हो गया 180, तो कितने हो गए 385। थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 300 प्लस पहुंचना पड़ेगा, अच्छा खासा पोस्ट मिल जाएगा इस बार। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप जीएस जीके के लिए
अगर आप फॉलो करना चाहें हमारे चैनल तो फॉलो कर सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा इतना चीज मिल जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा आपके जीएस और जीके जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए, आपको पर्याप्त चीजें मिल जाएंगी। और इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश के लिए तो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जनरल अवेयरनेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका लगभग लगभग इतना करवा दूंगा कि अगर आपका 50 फर्स्ट 50 है मार्क्स का है टीयर वन में, तो 40+ आप पहुंच जाएंगे, और टीयर टू में अगर 25 यानी कि 75 मार्क्स का है तो 60+ मार्क्स आप पहुंच जाएंगे, और इजी वे में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेली आधा घंटा 1 घंटा के लिए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा टेस्ट बहुत जरूरी है, एसएससी मतलब कि टेस्ट, टेस्ट अगर नहीं लिए प्रैक्टिस नहीं किया तो एसएससी में नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छा चाहिए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगली अलग कुछ अलग बात करेंगे।